हे हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम इन माय न्यू वीडियो। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किए एंड 15.45 लाख अप्रोक्स की उन्होंने फ्रेशर सीएमओ को पैकेज ऑफर किया है। सो क्या कंडीशन था, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये आप देख सकते हो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ये नोटिफिकेशन है जो सीएमए कैंपस प्लेसमेंट के लिए थी। एडवर्टीजमेंट फॉर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स कैंपस रिक्रूटमेंट। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ बताया गया है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में एंड इसके नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन है। सो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, पोस्ट क्या है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है आपके लिए। स्केल ऑफ पे क्या है, 40,000 3% से 140 लाख तक का है आपका जो बेसिक पे होगा। एनुअल सीटीसी जो है 15,45,036 रुपीज है। जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर बात करूँ इन शॉर्ट, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड आपकी वर्किंग एरिया होने वाली है। सो एक अच्छा आप वर्क एक्सपोजर कह सकते हो कि आपको अकाउंट्स और टैक्सेशन में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे पास सेम है फाइनल एग्जाम इन दिसंबर 2021, क्लियर ऑल ग्रुप इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आपके सारी ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होनी चाहिए तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाओगे इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एंड आप शॉर्ट लिस्ट हो पाओगे। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज का फोकस फर्स्ट अटेम्प्ट पे हो चुका है, पहले इतनी ज्यादा नहीं थी बट अब हर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक भी आप बोल सकते हो बिकॉज ऐसा हर एक स्टूडेंट नहीं होता जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करता है। सो नेक्स्ट इसमें है मिनिमम एज जो आपके होनी चाहिए 27 ईयर्स, ये भी एक ड्रॉबैक है बिकॉज आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हो और सीएमए कोर्स में मुझे नहीं लगता बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे और उनकी एज 27 ईयर्स होगी। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 23-24 तक सीएमए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ये भी एक इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ड्रॉबैक है। यानी जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए होंगे वही यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गेल इंडिया का लिमिट था मैक्सिमम 26 ईयर्स और यहाँ पे मिनिमम 27 ईयर्स है। सो हर एक पीएससी की क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट है। सो बहुत 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 चैलेंजेज है कैंपस प्लेसमेंट में, इतना ईजी नहीं होता, हर चीज़ हमें दूर से अच्छी लगती है। बट होप सो कि आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो जो मैं देना चाह रहा हूँ, बिकॉज इंडियन फाइनेंस रेलवे कॉर्पोरेशन के क्या क्राइटेरिया थे वो मैंने आपको बता दिया, कितने पैकेज ऑफर कर रहे हैं, क्या जॉब रोल है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इंडिया, आपको इंडिया के किसी भी कोने में जॉब रोल मिल सकता है। सो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा, आपको कहीं भी किसी भी सिटी किसी भी लोकेशन पे जॉब मिल सकती है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।